नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का टीवी 9 भारतवर्ष पर। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। स्पेशल बुलेटिन आप देख रहे हैं, कोल मीटर। लगातार पूरी दुनिया में बर्फबारी हो रही है, प्रचंड ठंड लोग महसूस कर रहे हैं। जगह जगह बर्फबारी की वजह से लोग भी परेशान हैं क्योंकि ठंड बढ़ती जा रही है। पूरी दुनिया में किस तरीके से बर्फबारी हो रही है, लोग कैसे उससे जूझ रहे हैं, एक एक तस्वीर हिमपात की दुनिया भर से हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको दिल्ली की तस्वीर हम जरूर दिखाएंगे क्योंकि दिल्ली में भी ठंड लगातार बढ़ रही है और बीती रात भी मौसम ठंडा था, ठिठुरन महसूस की। बीती रात कैसे बीती, मेरे सहयोगी रजनीश की रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। दिल्ली में जबरदस्त ठंड और शीतलहर के बीच इस वक्त घने कोहरे की स्थिति बनी हुई है और दिल्ली नोएडा बॉर्डर पे इस वक्त जो विजिबिलिटी है वो लगभग जीरो हो चुकी है। आप देख सकते हैं नज़दीक की चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं, तमाम जो गाड़ियां हैं उनकी हेडलाइट्स यहां पर जली हुई है और बहुत ज़्यादा ये कोहरा यहां पर बना हुआ है। लगातार मौसम विभाग की ओर से ये जानकारी दी जा रही है कि दिल्ली में तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी, ठंडी हवाएं बहुत ज़्यादा चलेंगी और शीतलहर का दूसरा दौर भी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में शुरू हो चुका है। कैमरामैन रोहित के साथ रजनीश रंजन, टीवी 9 भारतवर्ष, दिल्ली। तो उत्तर भारत में किस तरीके से ठंड बढ़ रही है उसकी एक एक तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। तीन तस्वीरें इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर आपके हैं, जिसमें लुधियाना की तस्वीर है, दिल्ली की तस्वीर शामिल है और वहीं दूसरी तरफ प्रयागराज की भी तस्वीर आप देख रहे हैं। लुधियाना में देखिए किस तरीके से लोग आग सेकते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि वो एक सहारा है ठंड को दूर करने का। दिल्ली में देखिए कैसे कोहरे का कहर लगातार छाया है, विजिबिलिटी काफी कम हो चुकी है, गाड़ियां चलने में दिक्कत हो रही है। और प्रयागराज की तस्वीर जहां शीतलहर लगातार चल रही है जिसके बाद लोगों की मुश्किल बढ़ गई है। तो जम्मू कश्मीर में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है और सैलानियों का जो सेंटर पॉइंट रहता है, अट्रैक्शन पॉइंट रहता है डल झील, वो पूरी तरह से जम चुकी है। यानी कि सैलानी जरूर निराश हैं और दूसरी तरफ लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से स्थानीय लोग भी काफी परेशान हैं, रोज जूझ रहे हैं। श्रीनगर की डल झील में पानी के साथ साथ शिकारी भी जम चुके हैं, बर्फ की शक्ल ले चुके पानी पर चिड़ियों की आमद है। हालांकि दूर कहीं कहीं अभी भी झील में पानी दिख रहा है और इन सब के बीच दूर पहाड़ों पर जमी सफेद बर्फ वादी की खूबसूरती को चार चांद लगा रही है। जन्नत में पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है डल झील, जहां सैलानी प्रकृति को नजदीक से निहारने आते हैं और इन पलों को कैमरे में कैद कर लौट जाते हैं। कि अभी पूरा झील भी जम चुका है, सुबह मॉर्निंग में मतलब बहुत सारा यहाँ पे कोल्ड वेव्स होती है और चिल काफी मतलब महसूस होता है यहाँ पे सर्दी, जैसे कि आप अभी देख रहे होंगे कि हम भी अभी बहुत ठंड महसूस कर रहे हैं यहाँ पे, तो एंजॉय भी हो रहा है लेकिन कोल्ड ब्रीजेस जो है इनका भी एक अपना एक अलग मजा है, तो मतलब एंजॉय भी हो रहा है लेकिन सर्दी भी बहुत ज्यादा है। शिकारे में बैठकर डल झील की सैर एक ऐसा अनुभव है जिसे यहाँ आने वाले हर सैलानी लेना चाहते हैं, लेकिन इन दिनों सैलानियों की इच्छा अधूरी रह जाती है क्योंकि शिकारों की रफ्तार पर बर्फ का पहरा है, शिकारे शांत हैं, चुप हैं और मौसम के बदलने का इंतजार कर रहे हैं। इंतजार तो ये स्थानीय लोग भी कर रहे हैं वक्त बदलने का, क्योंकि ठंड के प्रकोप ने जहाँ इनकी आमदनी को प्रभावित किया है वहीं कड़ाके की सर्दी से बचने के लिए इन्हें अलाव का सहारा भी लेना पड़ रहा है, आग जलाने के लिए लकड़ियों का इंतजाम करना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर की एक तस्वीर ये भी है जहां इतनी जबरदस्त बर्फबारी हुई है कि सड़कों पर बर्फ का अंबार लग गया, बाद में इन आइस आफत को जेसीबी की मदद से हटाया गया। तो घाटी में तो बर्फबारी हो ही रही है, जगह जगह बर्फ जमी है, लोगों का जीना मुहाल हो रखा है, लोग हलाकान हैं, लेकिन दिल्ली में भी कम ठंड नहीं है। और दिल्ली से मेरे सहयोगी मोहित ओम इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, सुबह सुबह कोहरे की चादर, लगातार विजिबिलिटी लो हो रही है, ठंड भी बढ़ रही है और आने वाले कुछ दिन में राहत मिलने की उम्मीद है नहीं, दिल्ली वासी कैसे सर्वाइव कर रहे हैं? बिल्कुल पूर्णिमा, है वो पिछले दिनों की सुबह से बिल्कुल अलग है। आज दिल्ली के अंदर कोहरे से जो पूरी तरह छाई हुई है और इस वक्त आपको सिर्फ विजुअल दिखाएंगे, आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरीके धुंध छाई हुई है। हालांकि विजिबिलिटी जरूर थोड़ी साफ नज़र अब आ रही है लेकिन इस वक्त तो पूरी फिजा के अंदर दिल्ली में धुंध छाई हुई है और ये कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों के लिए खतरनाक है क्योंकि पिछले दिनों में दिल्ली के लिए जितना पॉल्यूशन था उसमें ये फॉग मिलकर कहीं ना कहीं उनके स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक हो सकता है, क्योंकि अभी भी PM 2.5 दिल्ली में
250 से ऊपर है, यानी कि पुअर कैटेगरी में है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों के लिए हवा जो है वो ख़राब हो रही है। पिछले दिनों बारिश हुई थी, मौसम थोड़ा साफ हुआ था, लेकिन आज दोबारा से कोहरा पड़ा है, उसमें फॉग और स्मॉग दोनों मिलकर दिल्ली वासियों की सेहत के लिए काफ़ी खतरा पैदा कर सकते हैं। और ठंड की बात करें तो अभी सुबह हमने 3 बजे करीब इंडिया गेट से जो एक रिपोर्ट की थी उसमें उस वक्त टेम्परेचर 9 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन इस वक्त दिल्ली में 7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। यानी कि ठंड जैसे जैसे सुबह हो रही है और ज़्यादा बढ़ रही है, और शीतलहर इस कदर चल रही है कि हम खुद इस वक्त दिल्ली के विकास मार्ग पर मौजूद है, तो हमें भी लगातार हम महसूस कर पा रहे हैं। दिल्ली NCR में, मैं NCR में हूँ, शीतलहर महसूस कर पा रही हूँ, कोहरा यहाँ पर भी है, दिक्कत लगातार बनी है, अलाव का सहारा लोग ले रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज रैन बसेरों में रह रहे लोगों के लिए, जो लोग बाहर सड़कों पर रात व्यतीत करते हैं उनके लिए भी बड़ा चैलेंज है। एक बार हम आपको सीधे लिए चलते हैं श्रीनगर, वहां पर मेरे सहयोगी महराज उस वक्त मौजूद हैं। महराज, आपके पीछे की अगर आप तस्वीरें मुझे दिखा पाए, क्योंकि सैलानियों के लिए सेंटर पॉइंट के हम अट्रैक्शन पॉइंट की बात करें, डल झील वो पूरी तरीके से जम चुकी है, स्थानीय लोगों के लिए मुश्किल है, और आने वाले दिन और भी चैलेंजिंग रहेंगे उनके लिए। अभी बिल्कुल पूर्णिमा, हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जो बर्फ अब सड़कों पर जमा हो गई थी वो आप देख सकते हैं किस तरीके से अभी भी बिल्कुल 1 से 2 फीट जो है बर्फ अभी भी जो है सड़कों पर जमा है। और कह सकते हैं कि न्यूनतम तापमान के चलते अगर हम कहें कि ऊपर से अगर हम देखें कि अभी सूरज भी जो है बिल्कुल जो आसमान है वो बादलों से घिरा हुआ रह रहा है, तो कह सकते हैं कि न्यूनतम तापमान के चलते जो है अब ये बर्फ जो है जो जमी हुई बर्फ है वो बिल्कुल लगने लगी है, यानी इसमें जो है परत लगने लगी है, और उसको कह सकते हैं कि अब ये जो बर्फ है फरवरी और मार्च तक जो है रहेगी, क्योंकि कह सकते हैं कि ये वो चिलाई कलान है जो 40 दिनों का भीषण सर्दियों का समय रहता है कश्मीर में, और ये बिल्कुल वो चिलाई कलान है जो कश्मीरियों ने बहुत समय से नहीं देखा था। यानी अभी अगर हम देखें तो न्यूनतम तापमान जो है वो माइनस में है, और अगर अधिकतम तापमान है तो वो +5 के ऊपर जा ही नहीं रहा है। तो कुल मिलाकर देखें तो काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, और अभी शीतलहर का प्रकोप इस तरीके से है कि जो प्रसिद्ध डल है वो भी उससे भी जो है बिल्कुल बर्फीली परत जैसी बिल्कुल लग गई है, और जो नाव वाले हैं उसको बिल्कुल सुबह मेहनत और मशक्कत करके उस पहले रास्ते को तोड़ के जो है निकलना पड़ता है, और फिर वो एक नियुक्त रास्ते चलते जरिए जो है बिल्कुल अपनी जगहों पर पहुंचते हैं। कुल मिलाकर देखें तो जो सर्दी है उसका प्रकोप लगातार जारी है, और मौसम विभाग ने भी जो है आने वाले 2 दिनों तक जो है मौसम ऐसे ही बल्कि जो पारा है इससे भी जो है लुढ़कने की। बिल्कुल, यानी कि महराज आने वाले 2 दिन और मुश्किलात भरे रहने वाले हैं घाटी के लोगों के लिए। बर्फबारी भी लगातार हो रही है, रास्ते पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं, जाहिर बात है प्रशासन के लिए भी ये बड़ा चैलेंजिंग वक्त है। मोहित, दिल्ली की अगर मैं बात करूँ तो दिल्ली में हम देख रहे हैं पारा लगातार लुढ़क रहा है, और जो मौसम विभाग ने जानकारी दी है 14 जनवरी को बताया है बहुत ज़्यादा ठंडा रहने वाला है दिन, तो उसके लिए भी तैयार करना होगा दिल्ली वासियों को अपने खुद को, और साथ ही कितनी मुश्किलात पैदा हो रही है लोगों के लिए। बिल्कुल पूर्णिमा, मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में जो टेम्परेचर है न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा, तो उससे कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों के लिए जो सर्दी से जो उनको जो भी निजात है वो मिलती नजर नहीं आ रही। आने वाले दिन और ज़्यादा सर्द होंगे, हालांकि आज थोड़ी राहत की बात यह है कि दिल्ली में आज का दिन सनी डे बताया गया है मौसम विभाग की तरफ से, आज थोड़ी धूप जरूर खिल सकती है, लेकिन आने वाले दिन दिल्ली वासियों के लिए काफ़ी ज़्यादा कष्टदायक होने जा रहे हैं, क्योंकि न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक जाने का अनुमान है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों को इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई है कि दिल्ली में आने वाले दिनों में कोहरा पड़ेगा, और सुबह के वक्त बिल्कुल व्यायाम ना करें, खासकर से बुजुर्ग और बच्चों को घरों के अंदर रहना है, बहुत ज्यादा जरूरत हो तभी घर से बाहर निकले, क्योंकि जिस तरीके दिल्ली के अंदर स्मॉग जो बढ़ रहा था वो फॉग से मिलकर कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों की सेहत के लिए हानिकारक प्रभाव पैदा कर सकता है। बिल्कुल, यानी कि ठंड से भी खुद को बचाना है, स्मॉग से भी बचाना है। शुक्रिया मोहितोम आपका जानकारी के लिए, महराज भी हमारे साथ थे, महराज आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि हम पूरे एशिया की बात कर रहे हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।